हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे मैंने लड्डू मारुति को किस चीज़ में बिठाया है। तो वो है एक नौका, जो कि मैंने अभी अभी रेडी की है इनके लिए, और एकदम परफेक्टली रेडी की है, एकदम अच्छे से प्रॉपरली, और इन्हें बहुत पसंद आई। मैंने इस पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन भी किया है, ये देखिए अंदर भी कुछ आसन पे मैंने डेकोरेशन किया है, और इसमें इजीली मेरे लड्डू मारुति आराम से आ रहे हैं। तो अभी मैं इनका नौका विहार करवाने वाली हूँ। तो चलिए, इनको नौका में तो मैंने बिठाई दिया है, तो मैंने लड्डू का हैवी श्रृंगार भी नहीं किया, और इसी बहाने आपने लड्डू मारुति के दर्शन भी कर लीजिए। ये देखिए, ये रहे हमारे लड्डू, इनको बस मैंने एक पगड़ी पहनाई है, और ये रहे हमारे मारुति, इनका हमने थोड़ा श्रृंगार किया है, बट लड्डू को हमने एक पगड़ी ही पहनाई है और कपड़े पहनाए हैं, अच्छे थोड़े मोती वाली ड्रेस पहनाए हैं, जो कि एकदम लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। ये भी देखने में हैवी है बस थोड़ी। तो चलिए, इनको लेकर चलते हैं इनके नौका विहार में, जहाँ पे नौका चलाने वाले है। देख लेते हैं इनका पानी। ये देखिए, मैंने इनका सारा पानी रेडी कर दिया है, कुछ फूल, और ये देखिए इत्र मैंने इसमें डाला है, गुलाब का इत्र। मैं चाहूँ तो कस्तूरी इत्र भी इसमें डाल सकती थी, खस इत्र, मोगरा, बहुत सारे और भी इत्र हैं, पर मुझे लगा कि आज गुलाब का इत्र डालती हूँ। और फिर जब हम वापस करेंगे, एक दिन छोड़कर मैंने रोज़ नहीं, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ती हूँ, मैंने रोज़ नौका का सैर करवाती हूँ पानी में, तो मैं एक एक दिन कर हर इत्र डालूँगी। तो चलिए, ले आते हैं अपने लड्डू मारुति को, और पानी भी एकदम ठंडा ठंडा है, तो बहुत अच्छे से पानी रेडी है हमारा।